स्वागत है आप सबका जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक का नाम है बर्नावलीज इक्वेशन क्या सुना आपने बर्नावलीज इक्वेशन लिख देते हैं हम बर्नावली का इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में और आपको बता देना चाहते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी का इम्पोर्टेंट ये पार्ट है तो इसी में पढ़ने वाले हम लोग और बर्नावलीज इक्वेशन क्या होता है उसके फॉर्मेट को समझिए और फिर उस पर हम एग्जाम्पल के द्वारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे क्लियर सबसे पहले देखिए जब इक्वेशन क्या रहे देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो इस टाइप से रहे क्या चीज डी वाई बाई डी एक्स है ना प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n इस फॉर्म में जब रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है ये बनावली इक्वेशन कहलाएगा बनावली इक्वेशन है ठीक है ना तो इस फॉर्म में यहाँ पे होना चाहिए इक्वेशन अब कैसे इसका सोल्यूशन होगा इस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं ठीक है देखिए तो सबसे पहले ना इसके मेथड को समझिए कि कैसे हम लोग बनाते हैं जैसे ऐसे-ऐसे आएगा क्वेश्चन तो क्या कीजिएगा दोनों तरफ y के पावर n से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा y के पावर n उसके बाद dy वाई बाई डी ठीक है ना और फिर क्या हो जाएगा p और देखिए डिवाइड करेंगे तो y बाई y वाई के पावर n ठीक है और इज इक्वल टू क्यू सिर्फ बच जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ाइए इसको इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या वाई के पावर एन इन टू डी वाई बाई डी एक्स इतना कर देंगे प्लस देखिए क्या होगा p और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा वन बाई वाई के पावर एन माइनस वन ठीक है ना इक्वल टू q अब यहाँ पे बात समझने वाली क्या है आपको कि इसमें देखिए इतना सब क्लियर हो गया तो अब देखिए क्या करना है अब यहाँ से देखिए क्या करना है आपको इस मतलब कि y के पावर n को जेड मानना है ये जो है ना ये आपको यहीं बता देना चाहते हैं इसी को सब्च्यूट करके आगे बढ़ाना है इसको इसको जो है ना इसको क्या करना है हमको जेड मानना है सब्स्यूट करना है जेड और जेड मानकर हमारे काम को आगे बढ़ाना है तो क्या करना है जेड मानने के बाद सब्स्यूशन का रूल पता है आपको जैसे मानते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं समझ रहे ना डिफ्रेंशिएट करके फिर काम आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कैसे होगा ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे रूल्स को एग्जाम्पल के द्वारा ठीक है एग्जाम तक तो द्वारा उसको समझेंगे तो स्क्रीन शॉट लीजिए यही कंडीशन है ज़्यादातर नहीं लिखते हैं हम क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को क्योंकि ये तो पूछने वाला नहीं है थ्योरी नहीं पूछने वाला है इससे प्रॉब्लम पूछेगा इसलिए हम सब कुछ समझा रहे हैं ठीक है आइए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ही आपके कॉन्सेप्ट को करता है क्लियर कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन एक सोल्व क्या कह रहा है सोल्व एक एक करके बहुत सारा क्वेश्चन हम सोल्व करना सिखाएंगे सोल्व कैसे क्वेश्चन देखिए कैसे दिया है घुमाफी आकर डी वाई बाई डी एक्स डी वाई वाई डी एक्स ठीक है प्लस वाई बाई एक्स है ना इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर चलिए ये क्वेश्चन दिया है ना अब समझिए यहाँ ध्यान से कैसे सोल्व होगा यही देखना है आपको सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन करने का तरीका बस समझना है आपको ठीक है यहीं तरीका आपको समझना है क्लियर बढ़िया से यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हमने क्या कहा है कि वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है ना uh, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वाई बाई वाई स्क्वायर इंटू क्या है वन बाई एक्स है वन बाई एक्स इज इक्वल टू कट जाएगा तो वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो अब आपको क्या मिलने वाला है वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ठीक है uh, प्लस कट जाएगा यह तो यह जाएगा वन बाई वाई इंटू वन बाई एक्स ठीक है इज इक्वल टू वन बाई क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इतना होने के बाद यहां पे जो आ रहे हैं ना उसको जेड मानते हैं लिखेंगे पुटिंग इसको वन मान लीजिए पुटिंग पुटिंग क्या चीज़? पुटिंग है ना वन बाई वाई इज इक्वल टू जेड इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता होगा कि इसका होता है माइनस वन बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू डीजेट बाई डीजेड बाई क्या होगा डी देखिए किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं इसको जो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने गए हैं इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसी बात को समझना है इसको हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए तो यहाँ से हम थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा हटा देते हैं ताकि और कंसेप्टी हो जाए लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डिफरेंसीटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर क्लियर हो गया बात आपको चलिए ये क्या हो जाएगा तो डी देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या थोड़ा सा और आगे, आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया वाई के पावर माइनस वन इक्वल टू जेड तो क्या होगा देखिए डी वाई के पावर माइनस वन बाई डी वाई इन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स ये हो जाएगा अब यहाँ समझिए हो जाएगा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स वन बाई आ, वाई नहीं, नहीं होगा इसका क्या होगा पावर पीछे आएगा और ये हो जाएगा वन बाई आ, वाई स्क्वायर समझ रहे ना क्योंकि मतलब देखिए इसको हम चाह रहे हैं डायरेक्ट करना है आप नहीं समझ पाना तो ये बताते हैं हम क्या बताना चाहते हैं ये जो है ना पावर पीछे आएगा पावर में घटेगा चलिए क्लियर ये हो गया डी वाई बाई dx इक्वल टू डिजेट बाई डी एक्स हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्टेप कम हो चलिए क्या हो गया माइनस वन बाई वाई स्क्वायर ठीक है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिजिट बाई डी एक्स नहीं बिल्कुल इतना हो गया ना अब देखिए क्या करेंगे माइनस को क्या करेंगे हम लोग तो? इस माइनस को रिमूव कर देंगे उस साइड में तो क्या होगा वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डीजेड बाई डी एक्स इतना बुझा गया इसलिए लिखेंगे फ्रॉम वन चलिए वन में आ जाइए इसके स्थान पे क्या लिखने वाले हैं माइनस डीजेड बाई डी एक्स ठीक है आइए वन बाई बाई को क्या माने हैं वन बाई वाई को माने हैं आप जेड जेड बाई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर अब देखिए यहाँ तक तो आए तो आसान लग रहा होगा आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं लग रहा होगा समझ रहे ना यहाँ तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं लग रहा होगा बात समझ रहे ना तो चलिए यहाँ देखिए अभी इसको हम लोग और भी आगे थोड़ा सा सुटेबल तरीके से सेटलमेंट कर सकते हैं सबको भेज दीजिए उधर ठीक है ना तो क्या हो जाएगी माइनस में आ जाएगा या माइनस का वन के उधर भेज दीजिए तो डी दी जेड बाई डी एक्स है ना और उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के वन के हैं तो ये हो जाएगा माइनस क्या वन बाई एक्स जेड इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ये हो गया ठीक है ना इतना हो गया आपको आपके लिए जब इतना हो गया तो अब मीटर क्या हुआ इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है ठीक है ना चलिए आईओसी उसी को देखा जाए कि क्या है तो अब थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा ताकि इधर मिटाएं हम चलिए देखिए एक एक चीज़ को समझना आपका काम है हर चीज़ को समझिएगा अच्छा लगेगा देखिए पहले क्वेश्चन ही लिए आए हम और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट जो है ना हम क्लियर करना चाहते हैं और फिर उस पर होमवर्क देंगे ना मज़ा आ जाएगा फिर लिखेंगे यहाँ पे क्लियर इससे क्या निकला इससे जो है ना इससे मेटर बन जाएगा इसलिए p इक्वल टू क्या होगा माइनस वन बाई एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए q इक्वल टू क्या हो जाएगा q इक्वल टू हो जाएगा बोलिए कितना होगा तो q इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ठीक है ना अब देखिए क्या हुआ यहां पे अब क्या हुआ इसलिए आई एफ इंट्रीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e के पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स राइट अब ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा e के पावर और इसका इंट्रीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा माइनस लॉग x e के पावर लॉग x के पावर माइनस वन तो क्या होगा बाहर आ जाएगा तो वन बाई एक्स हो गया आई एफ क्या हो गया वन बाई एक्स हो गया आई एफ निकलने के बाद अब क्या होता है सोल्यूसन होता है फिर सोचने के इस लिए जगह चाहिए इसलिए इसको मिटाते हैं स्क्रीन शॉट तो पहले ही स्क्रीन शॉट में आपके पास मटेरियल उपलब्ध हो गया होगा तो आपसे सभी नहीं निवेदन है हमली रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए कि आराम से बात को समझिए और एक बार जो लिखते हैं ना कॉपी में आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कहना चाहेंगे एक बार कॉपी में नोट करने के बाद क्या है काम आपका आसान हो जाएगा राइट तो चलिए तो अब ये बात क्लियर हो गया है ना आइए यहाँ पे देखा जाए तो इसलिए सॉल्यूशन बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है तभी ना नंबर मिलता है इसमें सोलूसन इज सॉल्यूशन क्या होगा बताइए सॉल्यूशन जो होगा हो जाएगा जेड गुने आई एफ वन बाई एक्स जेड का ना फंक्शन है चलिए उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इन आई एफ आई एफ का मतलब वन बाई एक्स राइट डी एक्स अभी हो गया कितना जेड बाई एक्स तो होगा ही ये हो जाएगा माइनस बाहर निकालिए तो वन बाई एक्स क्यू है ना डी जेड सॉरी डी एक्स है ना अब देखिए यहाँ पे देखिए मेटर जो है ना उसको समझना ज़रूरी है माइनस तो रहेगा ही और ये हो गया एक्स के पावर माइनस थ्री डी एक्स इंटरग्रेशन कीजिए तो क्या होगा माइनस एक्स के पावर में जुड़ेगा तो माइनस दो होगा बट माइनस दो प्लस सी तो ये माइनस माइनस कट गया तो कितना हो गया ये हो गया आपका वन बाई आएगा तो स्क्वायर प्लस में हो जाएगा प्लस सी तो देखिए जेड बाई एक्स इक्वल टू इतना मिल गया आपको देखिए तो इसलिए जेड इक्वल टू देखिए जेड इक्वल टू क्या होगा एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए एक से देखिए इतना भी आंसर हो गया लेकिन एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए तो हो जाएगा ऊपर चल जाएगा एक्स तो कट जाएगा ये तो वन बाई टू एक्स प्लस सी एक्स सी एक्स हो गया क्लियर अब देखिए यहाँ पे जेड का मान कितना था वन बाई वाई माने शुरू में तो वन बाई वाई क्लियर इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स प्लस सी एक्स आंसर हो गया आंसर हो गया तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन जो है ना सोल्व करते हैं तो लंबा चौड़ा बनता है हबड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है बस क्वेश्चन को समझना पड़ता है ठीक है ना अब एक और क्वेश्चन आप सोचे तो बना सकते हैं मैंने अगर दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा एक क्वेश्चन आपको करना चाहते हैं करना चाहते हैं इससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए ठीक है देखिए कैसे उसी को समझना है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका ठीक है बढ़िया से यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ देखिएगा करे कि सोल डी वाई बाई डी एक्स है ना प्लस वन इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई थोड़ा सा आपको हम हिंट्स देना चाहेंगे इसमें कैसे बनेगा समझिए बढ़िया से चलिए तो आपको बता देना चाहते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या डी वाई बाई डी एक्स है ना, प्लस वन इज इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई तो यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ई के पावर एक्स इन टू ई के पावर माइनस वाई तो इसमें तो हमने बताया था कि y के पावर n रहेगा बट इसमें देखिए y वाला फंक्शन मिल गया ना अब इससे ही कहा होगा दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा राइट देखिए चोली होने वाला क्या है इधर आएगा तो हो जाएगा e के पावर y प्लस में dy बाई डी एक्स है ना प्लस वन बाई Uh, इतना का मतलब क्या होगा ई के पावर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ई के पावर एक्स अब इसको ही जेड मान लेते हैं ठीक है ना लिखेंगे पुटिंग इसको वन मान लीजिए पुटिंग पुटिंग ई के पावर वाई इज इक्वल टू जेड तो यहाँ देखिए इसका क्या होगा ई के पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिजेड बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए हम अब यहाँ जरा ध्यान से दिखिएगा लिखेंगे फ्रॉम वन फ्रॉम वन एक से आ जाइए एक से क्या है कि आपको देखेंगे तो क्या होगा इसके जगह पर क्या आएगा डिजिट बाई डी एक्स आएगा डिजिट बाई डी एक्स आएगा उसके बाद प्लस इसका मान क्या होगा जेड होगा इज इक्वल टू ई के पावर एक्स अब एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया ना फंसर नहीं अब यहाँ पे क्या है समझने वाली बात है यहाँ पे क्या है समझने वाली बात है इसी को समझिए हो गया ना अब देखिए यहाँ पे क्लियर बात समझिए लिनियर है कि नहीं है? है ना तो इसलिए पी बराबर पी बराबर आपका हो जाएगा वन जेड के साथ क्या है वन है क्यू बराबर ई के पावर एक्स इसलिए आई एफ बराबर आई एफ बराबर बोलिए क्या होगा आई एफ बराबर क्या होगा तो ई e के पावर वन डी एक्स क्लियर तो क्या होगा ई e के पावर एक्स हो जाएगा ठीक है यही ना होगा इसका इतना तो आप समझ रहे हैं इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा सॉल्यूशन इज क्या होगा देखिए ई e के सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे तो जेड का फंक्शन है जेड इन ई के पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू क्यू का मान कितना है क्यू का मान देखिए कितना है ई के पावर एक्स ही है सो सिंपल देखिए कितना आसान हो गया चलिए तो ये हो गया ई के पावर टू एक्स डी एक्स ई के पावर टू एक्स बाई टू प्लस सी और जेड इंटू ई के पावर एक्स रहा तो यहाँ पे लास्ट में और भी आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग तो जेड का मान कितना होता है जेड का मान होता है वन बाई वो होता नहीं है मतलब आप माने हैं क्या माने हैं ई के पावर वाई तो ई के पावर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा इज इक्वल टू इसे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ हम तो ई के पावर एक्स बचेगा बाई टू प्लस सी ई के पावर माइनस एक्स यहीं क्या हो गया आपका आंसर हो गया ठीक है ना क्या हो गया आंसर हो गया इन क्या हो गया आपका आंसर हो गया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी को बोलते हैं बर्नावीजी क्वेश्चन और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिए और हायर मैथमेटिक्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए सब कुछ आपको क्लियर क्लियर मिल जाएगा आप सबका